हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एम्पलीफायर होता है या एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उनके अंदर जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए, कितनी वोल्ट कितने एम्पियर का होना चाहिए। तो घुमा फिरा के इसी टॉपिक पे बात होने वाली है। तो टॉपिक पसंद है तो वीडियो को पूरा देखो, और अगर आपको पहले से ही पता है तो वीडियो को छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाओ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो हमारी वोल्ट है वो तो हम प्रॉपर ले लेते हैं, लेकिन वो जो एम्पियर होता है वो हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। और अगर आपके जो ट्रांसफार्मर का एम्पियर है वो प्रॉपर नहीं है तो जो आपकी आउटपुट है एम्पलीफायर की, जो आउटपुट है वो कुछ दबी दबी सी आती है, और जब आप उसके अंदर बेस ज़्यादा करते हो तो उसके अंदर जो एम्पियर है वो काफ़ी खींचता है। जो एम्पलीफायर है ट्रांसफार्मर से एम्पियर खींचने की कोशिश करता है, तो एम्पियर पहले से ही कम है ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर के एम्पियर कम होने के कारण वो पावर दे नहीं पाता है एम्पलीफायर को प्रॉपर तरीके से, तो जो हमारी साउंड है वो अच्छी नहीं आती है। तो इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई एक ट्रांसफार्मर हमारा एक बोर्ड है या फिर जो हमारा एम्पलीफायर है उसके अंदर कितने एम्पियर और कितनी वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं? तो सबसे इसका मेन जो सोर्स है पता लगाने का वो है हमारी डेटा शीट। अगर आप कोई भी एम्पलीफायर ले रहे हो या फिर बोर्ड ले रहे हो खाली, तो उसके अंदर देखो कि भाई कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या कौन सी आईसी लगी हुई है। तो उसके अंदर जो आईसी है उसको, उसका जो नंबर है उसको गूगल पे सर्च करो और उसकी फुल डेटा शीट मतलब निकालो कि ये आईसी डेटा शीट, तो उसकी पूरी डेटा शीट करके आ जाएगी जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा कि भाई इतनी वोल्ट है इसकी और इतने ये एम्पियर ले सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये डाटा शीट के अंदर पता रहता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर 44-40 हमारी आईसी होती है जो, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ में ले रहे हैं लोग आज भी, तो इसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो सिंगल आईसी होती है हमारी वो रहती है 19 वोट की, जो कि 8 ओम पे होता है। ठीक है, 8 ओम पे हमारी 19 वोट के करीब ये आईसी निकाल देती है। लेकिन 19 वोल्ट प्रॉपर निकालने के लिए आपको इस पे जैसे 12 वोल्ट हम देते हैं, इसके अंदर एसी 12 वोल्ट देते हैं, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये एम्पियर लेती है लगभग 3 एम्पियर तक ले लेती है सिंगल आईसी। तो सिंगल आईसी अगर हमारी है तो 12 वोल्ट 3 एम्पियर काफ़ी है। ठीक है, और अगर हमारे बोर्ड में डुअल आईसी लगी हुई है तो हमें इसके अंदर 5 या 6 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, और जो इसकी हीट सिंक है वो थोड़ी सी बड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो ये तो मैंने लेटेस्ट बोर्ड दिखाया है इसके अंदर जो है 44-40 का अच्छी हीट सिंक लगी हुई इस पर, तो जो पुरानी हैं उनके अंदर हीट सिंक थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसको थोड़ी सी अच्छी करके जो ट्रांसफार्मर है वो हमें 5 या 6 एम्पियर का लगा देना चाहिए। हमारे जो पुराने रामसंस के आते थे डैक वगैरह उसमें 44-40 होती थी और उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता था वो 5 एम्पियर के करीब होता था। ठीक है, तो अभी जो आ रहे हैं 44-40 के एम्पलीफायर आ रहे हैं, डैक आ रहे हैं, तो उनके अंदर लगभग 1.5 या 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पियर का होता है। तो उसमें यही कारण होता है कि जो इसकी जो साउंड है वो फुल बेस करने पे थोड़ी बहुत दबती है। ठीक है, अभी बात करेंगे जैसे मान लो हमारा 2SC5200, तो अब हम बात करेंगे हमारा ये 2SC5200 है जो ये बोर्ड मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग यही वाला बोर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा शीट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा 2SC5200 का जो ट्रांजिस्टर है वो एक ट्रांजिस्टर 1.5 एम्पियर के करीब लेता है, यानी कि 1.5 एम्पियर के करीब लेता है। तो इसके अंदर जैसे हमारे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो 1.5-1.5 करके हमारे 3 और 3 यानी कि 6 एम्पियर करके हमारा बनता है। तो इसके अंदर 6 या 7 एम्पियर का या 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी हम इसके अंदर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आती है। इसके साथ साथ जो वोल्ट है गाइज, वो वोल्ट भी लगभग 30-35 वोल्ट का जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अच्छा रहता है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती है ट्रांजिस्टर की, तो वैसे वैसे इनकी जो वोल्ट है वो भी बढ़ जाती है। डेटा शीट के अंदर इनकी जो वोल्ट होती है कि भाई कितनी वोल्ट तक झेल सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वोल्ट झेलते हैं ट्रांजिस्टर आईसी के मुकाबले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको प्रॉपर जैसे जिस आईसी की डेटा शीट निकालनी है तो आप गूगल पे इसको आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है। और अगर आपको नहीं निकालनी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो एक पूरी लिस्ट बना के मैं आईसी की भी ट्रांजिस्टर की भी, तो उनकी वोल्ट और एम्पियर कितने कितने वो ले सकते हैं वो एक पूरी की पूरी वीडियो में बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो गाइज ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और जैसे जो साउंड क्वालिटी होती है वो खाली ट्रांसफॉर्मर पे भी डिपेंड नहीं होती कि भाई बाकी सब ओके फिर भी साउंड ऐसी आ रही, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज इसके अंदर, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर पे भी डिपेंड नहीं होती। तो अगर आप धीरे धीरे करके समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें भी काफ़ी मैंने कुछ बताया है एम्पलीफायरों के बारे में, तो वो भी आप देखो। और अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो और भी कई बंदे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं एम्पलीफायरों के बारे में, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।